अरे हड़बड़ा जाऊंगा ना भाई, ये क्या बचपना है। ओ पिड़ू, ओ बचपना करते तो रहना चाहिए, अगर बड़े हो जाएंगे तो फिर वो मासूमियत नहीं रहेगी, समझो। नासिक से कब आया? आज सुबह ही आया भाई। ओहो बढ़िया जी बढ़िया, कितने कितने? सुबह चाय लिखने के लिए। तो चल चलो चलो आजा। पिड़ू आज का सुविचार मैं बताता हूँ। बोलो। बिना मतलब के किसी से ना लो पंगा, जीवन रहेगा हमेशा चंगा। ओहो क्या बात है, एकदम पंजाबी वाला सुविचार है। ओ एकदम चक दे फट्टे जो विचार है, लिख दे लिख दे। हाँ। है ना? वेरी गुड। क्या हुआ, सब ठीक? हाँ ठीक ही है। वो क्या ठीक है, वो पंक्चर हुए टायर जैसा पिचकू सा मुंह बनाया हुआ आपने, और कह रहे हो ठीक है? हाँ और नहीं तो क्या। लगता है अंजलि अभी ने चाय नहीं पिलाई सुबह। पिलाई ना बिगड़े, गर्मा गर्म चाय पिलाई, लेकिन बगैर दूध वाली। क्यों? अरे क्यों क्या यार, ये दूध के बड़े हुए दामों ने मेरी चाय से दूध छीन लिया। पर ये अब्दुल ने भी दूध के दाम बढ़ा के रखे हैं अभी तक क्या? हाँ मेरी भी सुबह बात हुई उससे, उसने बोला कि भाव कम नहीं होंगे। गुड मॉर्निंग भिड़े सोड़ी मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे भाई भिड़े, तू कमाल का आदमी है। थैंक यू। क्या थैंक यू, अचानक गायब हो जाता है, अचानक वापस आ जाता है। तो क्या अचानक पोपट लाल, एक दिन के लिए नासिक तो गया था, गायब कहाँ हुआ था? ए, लेकिन हाथ में लिया हुआ काम अधूरा छोड़ के गया ना। ये देख मजबूरी में अब्दुल की दुकान से 60 रुपए लीटर वाला दूध लेकर आ रहा हूँ। हाँ तो मत लो ना महंगा दूध पोपट लाल, किसने बोला है? और देसी कंपनी का दूध और कौन सस्ता देता है, देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी थी ना। तुमने बोला था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो नहीं बिल्कुल नहीं यार, ये ब्रेक की बात बिल्कुल सही है, तुम और भिड़े मिलके ये पता करने वाले थे। सॉरी वो काम के चक्कर में थोड़ा भूल गया यार। ओ पोपू ऐसे तो इम्पोर्टेंट काम भूल जाएगा तू कैसे चलेगा? अरे सॉरी बोला ना भाई, कभी कभी हो जाता है ऐसे। लेकिन आज देखना पोपटलाल का जादू, शाम तक मैं दुनिया हिला दूंगा। देसी कंपनी का दूध कहाँ सस्ता मिलता है ये ढूंढ कर रहूंगा। शाबाश पोपटलाल शाबाश, कल मुझे दूध वाली चाय पीनी है। पियेंगे पियेंगे मेहता साहब, जरूर पियेंगे। आप शाम को जब तक ऑफिस से आएंगे ना, तब तक हम लोग ये दूध के भाव का तोड़ निकाल चुके होंगे। चलो चलते हैं ऑफिस, मिलते हैं शाम को। मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके ऑफिस, रस्ते में आपको दूध वाली चाय भी पिलाता हूँ। बेटा ढूंढ लेना दूध वाला। ढूंढ लेना मतलब? अभी थोड़ी देर पहले तुमने बोला ना कि अब देखो पोपटलाल का जादू, शाम तक दुनिया हिला दूंगा वगैरह, काय जरूरत है? अरे भाई मैं तो ढूंढूंगा ही, लेकिन तुम भी कोशिश करना, इस दूध अभियान में मैं तुम्हें पूरा पूरा सहयोग दूंगा। ओहो भाग्य माज, ठीक है मैं भी घर जाके इंक्वायरी करता हूँ, देखता हूँ कोई मिलता है क्या। ऑल द बेस्ट। हाँ तुमको भी। चलो आत्मा राम, सस्ता दूध वाला ढूंढना है, क्या करूं क्या करूं। कीर्तन भाई को फोन लगाता हूँ, पूछता हूँ कोई है क्या पहचान। ओहो क्या बात है, आज गोकुलधाम सोसाइटी के एक मेयर सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ने मुझे याद किया, जरूर कुछ तो काम होगा। अरे नहीं नहीं चेतन भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बोलिए। हाँ मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अरे नहीं नहीं आप बोलिए, आपने किस काम से फोन किया? हाँ दरअसल एक छोटा सा काम है आपसे। देखा मैंने बोला था ना कि कुछ काम होगा, बोलिए बोलिए। दरअसल काम ये है कि आपसे जानना था कि आपकी सोसाइटी में लोग कौन सी कंपनी का दूध इस्तेमाल करते हैं। अचानक दूध के बारे में क्यों जानना है? आपने अचार पापड़ के साथ साथ दूध की डिलीवरी भी शुरू करनी है क्या? अरे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। तो अचानक दूध के बारे में क्यों पूछ रहे हो भाई? वो इसलिए पूछ रहा हूँ चेतन जी, क्योंकि हमारे सोसाइटी में भी हम लोग देसी कंपनी का दूध लेते हैं, और जो हमें देसी कंपनी का दूध देता है ना, उसका ये कहना है कि कंपनी ने अभी दूध के भाव बढ़ा के 55 से 60 रुपया कर दिया है। आपके यहाँ तो अब्दुल दूध देता है ना? अब्दुल तो हमारी सोसाइटी में भी दूध देता था, लेकिन हमने अभी उससे दूध लेना बंद कर दिया। क्या क्यों? अब्दुल पहले हमें भी 55 रुपए में दूध देता था, लेकिन अचानक उसने भाव बढ़ा दिया। फिर हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि एक दूसरा दूध वाला है जो सेम कंपनी का दूध 55 रुपए में ही देता है। क्या बात कर रहे हो चेतन भाई, मतलब
उसी देसी कंपनी का दूध 55 रुपए लीटर। पूरे 5 रुपए का फर्क है। तो हमने अब्दुल को ना बोल दिया और दूध वाला बदल दिया। इसका मतलब है कि अब्दुल लालच में आकर ये सब कर रहा है। ये अब्दुल को सबक सिखाने के लिए नया दूध वाला बुलाना ही पड़ेगा। हेलो आत्माराम, आत्माराम फोन पे हो? हेलो, हाँ हाँ मैं फोन पे। अच्छा चेतन जी, आपके यहाँ पे जो दूध देता है उसका नंबर मुझे मिल सकता है? हाँ हाँ, अभी मैसेज कर देता हूँ। क्या नाम क्या है उसका? संतोष। अच्छा, तो जरा संतोष का नंबर मैसेज कर देंगे प्लीज? ठीक है अभी मैसेज करता हूँ।